नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश यादव और रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं आरआरबी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पीसीएम और आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करेंगे, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अलावा पार्ट ए और पार्ट बी का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था और किस में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उन फैक्ट के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैंने क्या किया है, इस ये वीडियो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने जो जो बच्चों के क्वेश्चंस थे कि हमने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने जोन वाइज कट ऑफ के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो उन्हीं के में जो बच्चों के जो कमेंट्स आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हमने पिक किया है और ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंपल उनके आंसर्स मिलेंगे जिसमें आपको सटीक आंसर दिया जाएगा जो कि बच्चे चाहते हैं। तो चलो दोस्तों की शुरुआत करते हैं कि पहले आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला क्वेश्चन है कितनी पद और पीसीएम कैटेगरी श्रेणी के लिए है। मतलब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कितने वैकेंसीज हैं पीसीएम कैटेगरी के लिए, तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि पीसीएम कैटेगरी के लिए आरआरबी में जो वैकेंसी रखी गई है वो 5200 वैकेंसीज हैं। तो देख सकते हो कि 5200 वैकेंसी पूरे कंट्री लेवल पर बहुत ही कम वैकेंसीज हैं, तो ये उम्मीद होगी कि पीसीएम की कट ऑफ और एएलपी की कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है। तो अगला क्वेश्चन जो एक बच्चे ने पूछा था वो पूछा था कि किस जोन में या किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो आप देख सकते हो कि अलाहाबाद जोन में पीसीएम कैटेगरी की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं और वो हैं 797, मतलब 797 वैकेंसी पूरे अलाहाबाद जोन के लिए हैं। सो सबसे ज़्यादा वैकेंसी अलाहाबाद जोन में है तो ये माना भी जाएगा कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ अलाहाबाद जोन की जाने वाली भी है, क्योंकि बच्चे हमेशा फॉर्म फिलअप जो करते हैं उसमें वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा देख के ही करते हैं। तो वैसे भी आपको पता है कि आरआरबी का चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अलाहाबाद जोन जो होता है वो ये फर्स्ट या सेकेंड पोजिशन पर हमेशा कट ऑफ के मामले में आता है। तो ये मान के चलना कि जिन जिन बच्चों ने अलाहाबाद जोन से अप्लाई किया है उनकी कट ऑफ कम नहीं जाने वाली है, उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी क्योंकि वहाँ पे सीटें भी ज़्यादा हैं। सो अगला क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष की कंपैरिजन में जो अभी सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ है पीसीएम कैटेगरी का, उसका डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई का स्तर कैसा था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लास्ट ईयर्स की कंपैरिजन में जो इस बार जो सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट ही था, वो ईजी या मॉडरेट नहीं था। तो ये शोर शॉट है कि अगर पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ इतनी भी हाई नहीं जाने वाली जितनी कि लोग एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था। तो डिफ़िकल्ट होने से बच्चे क्या करते हैं कि वहाँ पे थोड़े पैनिक हो जाते हैं, मतलब टेंशन में आ जाते हैं और वो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं जिनसे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। यह चीज़ आपने देख भी ली होगी जब आंसर की आई होगी, तो जो जो बच्चे बोल रहे थे कि हमारे 70+ आएंगे 75+ आएंगे उनके 60-62 के आसपास स्कोर आ रहा था, तो उसका साफ साफ है कि उसमें जो बच्चों का पेपर का जो लेवल था वो लास्ट ईयर्स की कंपेरिजन में टफ था। और इस टफ में मैंने मेंशन किया है कि पार्ट बी ज़्यादा कठिन था, तो जो पार्ट बी होता है जो स्पेशल ट्रेड से रिलेटेड होता है वो पार्ट बी काफ़ी टफ आया था, जिसकी वजह से जो मिनिमम 26.5 मार्क्स जो होता है 35% जो स्कोर करना होता है वो बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पेपर के डिफ़िकल्ट होने से भी जो सीबीटी 2 का जो रिज़ल्ट आने वाला है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अगला क्वेश्चन है बच्चे का कि पार्ट ए जो था भाग ए उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। सो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, तो मैं इसमें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैंने लिखा है यस, मतलब इस पार्ट ए में नॉर्मलाइजेशन होगा। सो दोस्तों, अगर आप आरआरबी का जो ऑफिशियल पहला नोटिफिकेशन जो आरआरबी की साइट पे आया था जिसमें बताया गया था कि आरआरबी में पीसीएम की एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज निकली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन में कि सारे स्टेजेस में नॉर्मलाइजेशन होगा। सो इसलिए मैंने नीचे मेंशन किया है रेफ़र ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर मोर डिटेल, कि वहाँ पे आप जो इनका आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप रेफ़र कर सकते हो, उसमें एक लाइन है पैरा लिखा हुआ है, या आप दूसरे वीडियोज भी रेफ़र कर सकते हो जहाँ पे लोगों ने मेंशन किया है कि आरआरबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हाँ
पार्ट ए में नॉर्मलाइजेशन होगा। और उसका भी दोस्तों एक फैक्ट है कि होता क्या है कि आरआरबी के जो पेपर्स होते हैं तो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि एक दिन में सभी बच्चों का एग्ज़ाम कराना पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो हर दिन अलग अलग पेपर होता है, तो ये स्वाभाविक है कि अगर हर दिन अलग अलग पेपर होगा तो पेपर का लेवल अलग अलग होगा और बच्चों के नंबर भी अलग अलग आएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए आरआरबी क्या करता है, सारे पेपर्स में जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको देखता है कि किस तरह से उन्होंने अटैम्प्ट किया है, और उस अटैम्प्ट लेवल पर देखते हैं कि किस दिन ऐसा हुआ है कि बच्चों के कम मार्क्स आए हैं और ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उस हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन का जो उनका फॉर्मूला है उसको वो फॉलो करते हैं। और जब रिजल्ट आएगा तो आरआरबी भी अपना नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो हमेशा पब्लिश करता है कि हमने किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया है। जैसे कि हाल ही में ग्रुप डी के रिजल्ट में उन्होंने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को पूरे अलग उदाहरण के तौर पर समझाया भी है। सो अगला क्वेश्चन है बच्चों का, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि क्या भाग बी जो पार्ट बी था जो ट्रेड से रिलेटेड था उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है नोट कन्फर्म्ड, बिकॉज अभी तक किसी का कन्फर्मेशन आया नहीं है। कुछ लोग ऑडियो क्लिप्स के बेसिस पे या कुछ लोग किसी ट्वीट के बेसिस पे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या कुछ कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बट अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये अभी कंफर्म नहीं है। बट लेकिन संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आरआरबी को पेपर के लेवल को सेम बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाना ही पड़ेगा। सो अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का है कि सर अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कितने मार्क्स बढ़ेंगे। सो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है, चाहे आप अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देख लो या उससे पहले के एग्ज़ाम देख लो, उनका रिजल्ट देख लो, तो आप देख पाओगे कि नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो मिनिमम 3 मार्क्स बढ़ते हैं और मैक्सिमम 15-16 मार्क्स तक जाता है। तो सपोज किसी बच्चे के पार्ट बी में 23 नंबर आ रहे हैं और उसके मान लो 5 नंबर भट गए तो उसके 28 नंबर हो जाएंगे, तो इस तरह के, या पार्ट ए में जिसके किसी के 60 आ रहे हैं तो उसके 65 हो सकते हैं या 63 हो सकते हैं। तो ये माना जाता है पूरे एनालिसिस के तौर पे कि मिनिमम अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो मिनिमम 3 मार्क्स बढ़ते हैं और मैक्सिमम 15-16 मार्क्स बढ़ते हैं। तो जो 15-16 मार्क्स बढ़ते हैं ये वो बच्चे होते हैं जिनके पेपर में कुछ गलत आंसर्स होते हैं और उनका पेपर का लेवल इतना टफ होता है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने उस शिफ्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया होता है, तो उनके नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़ते हैं। और आरआरबी का रिसेंट में जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो इसका एक साक्षात उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो आंसर की में करेक्शन में कितने अंक बढ़ेंगे। तो आपको पता होगा कि अभी CBT 2 की जो आंसर की आई थी उसमें बहुत सारे करेक्शंस आए थे, हर ट्रेड में अलग अलग करेक्शंस थे, किसी के 3 क्वेश्चन गलत थे, किसी के 4 क्वेश्चन गलत थे, कोई बोल रहा था कि 5-6 क्वेश्चन आंसर की में गलत हैं। तो वो आरआरबी का जो फाइनल आंसर की आएगा, जैसा कि आपको पता है कि हम सभी ने अभी जो भी करेक्शंस का जो था अपील वो हमने डाल दी है, उसका आरआरबी एनालिसिस कर रहा है और थोड़े ही दिनों में आरआरबी एक फाइनल आंसर की सब पब्लिश करेगा। वो आरआरबी के की तरफ से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ये सब आरआरबी पे डिपेंड करेगा कि फाइनल आंसर की क्या होगा। बट ये माना जा रहा है कि जो आईटीआई में जो ट्रेड स्पेसिफिक एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी 8-9 क्वेश्चंस गलत थे, जैसे फिटर में काफ़ी क्वेश्चंस गलत थे, तो उन पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस सही होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सो मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि आईटीआई के कई और गलत उत्तर हैं, सो मोर चांसेस इन आईटीआई की आईटीआई में ज़्यादा करेक्शंस आने की संभावनाएँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस जोन का कट ऑफ सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा है मैंने, मतलब मैं यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियो के बेसिस पे बताऊँगा कि जैसे अगर आप अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो हुआ था लास्ट ईयर आरआरबी का, उसमें अगर आप एनालिसिस करके देखोगे या आरआरबी के और एग्ज़ाम्स का देखोगे तो आप हमेशा देखोगे कि अलाहाबाद, गोरखपुर और अजमेर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है और उसके साथ साथ कभी कभी चंडीगढ़ भी उसको कवर करता है। तो ये मान के चलो कि इन 3 जोन की कट ऑफ हाई ही जाने वाली है, इनकी कट ऑफ लो नहीं जाने वाली, ये हमारा पॉसिबल सिनारियो है। अगला है कि किस क्षेत्र में सबसे कम संभव कट ऑफ होगा, मतलब कौन सा ऐसा जोन होगा जिसमें कट ऑफ कम जाने वाला होगा। तो मैं आपको बता दूँ, बेंगलोर, जम्मू और बिलासपुर का कट ऑफ अलाहाबाद, चंडीगढ़ की कंपैरिजन में बहुत कम जाएगा। इसका एक रीज़न है कि बेंगलोर एक आईटी हब है, वहाँ पे लोग आईटी इंडस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए बेंगलोर का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। वैसे ही जम्मू जो कि थोड़ा रिमोट एरियाज़ में आता है
और थोड़ा ऊपर एरिया आता है जहाँ पे लोग सिक्योर नहीं फील करते, तो जम्मू में लोग कम अप्लाई करते हैं तो जम्मू का कट ऑफ भी कम जाएगा। और बिलासपुर में क्या होता है कि लोग उसको एज ए रिमोट एरिया कंसिडर करके बिलासपुर में इतना कम अप्लाई करते हैं, तो एज़ पर हमारी जो पॉसिबिलिटी है बेंगलोर जम्मू और बिलासपुर का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला, इनका कट ऑफ कम ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जोन अलाहाबाद जोन को कड़ी टक्कर देगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ जोन जो है उस वो जोन हमेशा अलाहाबाद जोन को अच्छा कंपटीशन देता है। उसका एक रीज़न है बिकॉज ऑफ दिल्ली एनसीआर। सो होता क्या है कि दिल्ली एनसीआर के जितने ही बच्चे होते हैं दिल्ली राजस्थान से भी टच में है, हरियाणा से भी टच में है और पंजाब से भी टच में है। सो इससे क्या होता है कि चंडीगढ़ जितने भी दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं वो चंडीगढ़ के पास में है, तो वो क्या करते हैं चंडीगढ़ से अप्लाई करते हैं। तो चंडीगढ़ जोन का कट ऑफ सीटें कम होने के बजाय भी चंडीगढ़ जोन अच्छा कंपटीशन देता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जितने भी बच्चे हैं वो चंडीगढ़ जोन को हमेशा पास का एरिया होने की वजह से प्रेफरेंस देते हैं। अगला है आईटीआई का, जो लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था कि सर आईटीआई का मिनिमम कट ऑफ क्या होगा, तो उसका आंसर है कि आईटीआई का मिनिमम पॉसिबल जो कट ऑफ होगा वो 65 नंबर होगा। और ये मैंने रो मार्क्स के कंसिडरेशन पे बताया है कि अगर किसी बच्चे के 65 मार्क्स हैं तो आईटीआई में उसके सेलेक्शन होने की संभावना है, और ये मैंने रो मार्क्स का कंसिडरेशन लेके रखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज आईटीआई में 65 से कम क्यों नहीं जाएगा। उसका एक रीज़न है कि उसमें वैकेंसी आईटीआई में इतनी ज़्यादा नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट जोन और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की कट ऑफ डिफरेंट होगी। तो जैसे कि मैंने नीचे मेंशन भी किया है कि यहाँ पे ऐसा होगा कि आईटीआई में किसी जोन की 65 चली गई, किसी की 68 चली गई, और ये मैंने रॉ मार्क्स को कंसिडर किया है। बाकी नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा कि आपके कितने क्वेश्चन, मतलब उस दिन का लेवल क्या था, और नॉर्मलाइजेशन का जो आरआरबी का फॉर्मूला है उस हिसाब से आपके कितने मार्क्स आगे बढ़ रहे हैं। तो आईटीआई का मैंने यहाँ कट ऑफ 65 प्लस ही मान के चला है, और वो है रो मार्क्स के बेसिस पे। सो अगला क्वेश्चन है कि पीसीएम का न्यूनतम कट ऑफ क्या होगा। सो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीसीएम का जो मिनिमम कट ऑफ होगा वो 69 प्लस, मतलब 70 के आसपास रहने वाला है, और वो रहेगा रॉ मार्क्स। उसमें क्यों, इसका ऐसा है कि पीसीएम के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और पीसीएम क्योंकि 10+2 लेवल पे होता है और बच्चों ने 12th की हुई होती है, तो उनका जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जस्ट कॉलेज में एंटर कर चुके थे, स्कूल में अच्छी पढ़ाई की होती है, तो उनका कट ऑफ ज़्यादा ही जाने वाला है। और दूसरा, पीसीएम में जो आरआरबी ने काफ़ी कम वैकेंसीज दी हैं तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि 5200 वैकेंसी पीसीएम के लिए काफ़ी कम है जिस हिसाब से बच्चों ने आवेदन किया है। अब है एएलपी का न्यूनतम कट ऑफ क्या होगा। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एएलपी का मिनिमम पॉसिबल जो कट ऑफ होगा वो 60 प्लस होगा, वो रॉ मार्क्स होगा। इसका रीज़न ये है कि एएलपी में क्या होता है कि जैसे इंजीनियरिंग वाले बंदे होते हैं, डिप्लोमा वाले बंदे होते हैं, उसके अलावा जो एएलपी में सीबीटी 3 होने वाला है जिसमें 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि अभी सीबीटी 3 होगा, उसमें साइको टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने वाली है, तो एएलपी की कट ऑफ होगी वो सीबीटी 2 लेवल पे 60 प्लस मार्क्स ही रहेगी। सो अगला क्वेश्चन है कि परिणाम घोषणा की अपेक्षित तिथि क्या है। सो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रिजल्ट डिक्लेरेशन में आरआरबी काफ़ी टाइम लेता ही है। सो उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, सबसे पहले करेक्शंस का जो स्टूडेंट्स ने सबमिट किया है कि उनके आंसर के उनको करेक्शंस चाहिए, सबसे पहले उनका रिजल्ट आएगा कि किस हिसाब से उन्होंने किस क्वेश्चंस का आंसर क्या कंसिडर किया हुआ है, और वो जब करेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा उसके बाद वो अपनी आंसर की पब्लिश करेंगे, उसके बाद वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्च एंड तक तो करेक्शन का ही रिजल्ट आने की संभावना है, और उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर वो एएलपी लेवल पे है तो उनका सीबीटी 3 जो साइको का टेस्ट होगा, और अगर वो पीसीएम का स्टूडेंट है तो उनका सीबीटी 2 में जो रिजल्ट आया वही उनका फाइनल मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद जो लास्ट स्टेज होगा वो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन से रिलेटेड स्टेज होगा। सो एक का ईसीएम कैटेगरी में एक बच्चे ने क्वेश्चन डाला था कि सर ईसीएम कैटेगरी की कट ऑफ लोग मेंशन नहीं करते, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ईसीएम जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ है वो 36 प्लस मार्क्स जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ईसीएम कैटेगरी का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला, वो 36 प्लस मार्क्स ही जाएगा, क्योंकि ईसीएम कैटेगरी में क्या होता है कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाता है। एक तो एप्लीकेंट्स थोड़े कम होते हैं, और दूसरा उनका जो लेवल होता है, टेक्निकल लेवल होता है, वो उस और स्टूडेंट के कंपेरिजन में ज़्यादा नहीं रहता। सो
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका मैंने आंसर नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन पिक करूँगा और उसका अच्छे से एनालिसिस करके आपको एक नया वीडियो पब्लिश करके दूंगा। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।